Excuse you. पैसे के लिए कुछ इंतजाम हुआ क्या? किसान पैदा होना शराब है शराब। वो जमींदार आए दिन मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, पैसे दो पैसे दो। अरे कहाँ से पैसे दो, ले दे के तो जमीन था जो गिरवी रख दी, पैसे मैं कहाँ से लाऊं? रात दिन मैं यही सोच रहा हूं कि करूं तो आखिर करूं क्या। कहीं और से इंतजाम नहीं हो सकता? मुंशी जी से पूछिए। मुंशी मुंशी से पैसे लिए, वो कल को घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, दोनों के गर्दन पकड़ के घर के बाहर। कोई इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहा। क्या करेंगे गुड़िया के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। ले देखिए ये घर ही बचा है, बस इसी को घर भी देना पड़ेगा, और कोई चारा तो मुझे देख नहीं रहा। चावल खत्म हो गए, आखिरी के बचे हुए क्या करें, कहां से लाएं, कोई जरिया नहीं दिख रहा मुझे। कितनी बार जाए और पैसा मांगे उनसे, पहले के द्वार तो दे नहीं पा रहे। और कुछ नहीं हो सकता इंतजाम। अरे राम राम संगीता चाची। अरे राम राम मेरे चाचा। कैसे हो बेटे? कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। पानी तो ले आओ। हाँ अरे नहीं नहीं आप बैठो। अरे नहीं अरे नहीं नहीं बैठो, क्या हो गया? आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? बताएं घर की हालत, तुम तो उससे तो कुछ छुपाया नहीं, जानती ही है। जमीन गिरवी पड़ी हुई है, घर में राशन नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है खाने को। समझ नहीं आ रहा कि घर जरिया कैसे चलाए सब। अच्छा तू बता तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा। पहले लगा था कि यहाँ से उधर जाना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। वहाँ पहुंची तो पता ही नहीं चला सब कैसे शुरू हो गया। अब मैं महीने का 10 से 15 हजार कमाती हूँ। 10 से 15 हजार? 10 से, और मेरा खाना रहना पीना सब वो देखता उन 10-15 हजार से अलग। 10-15 हजार महीने का? इतना ही जाता है, सब बढ़िया चल रहा है। बस पहले तो जब यहाँ थी तब तो लगता था कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, पर कह मेरी जैसी अनपढ़ लड़की क्या कर लेगी मुंबई जाके। अब तो सब ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा वो तुम चले गए, इस गांव में तो कुछ रखा ही नहीं है। हम जमीन दे दे के घर चलाते हैं, और अब कुछ भी नहीं बचा। वहां पे हम जैसे के लिए कुछ हो सकता है? वहां पे हो सकता है ना, मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री में बिजनेस करती हूँ। वहां पे बिजनेस व्यापार सुई धागे का काम होता है ना। हाँ, वो करती हाँ, है हाँ, तो उसी का पैसा मिलता है। अच्छा, अब जितना पैसा है उतना काम भी है, काम भी बहुत देर तक करना पड़ता है, तभी तो 10-15 हजार मिलते हैं। मतलब हाँ पहले तो अच्छी अच्छी तो काफी दिक्कत हुई होगी फिर। हाँ चाची पहले तो दिक्कत हुई थी, इधर जाना उधर जाना पता लगा। नई जगह पे तो हर किसी को पहले दिक्कत होती है, अब देखो। अच्छा चल गुड़िया जी। माँ इधर आना, देखो बेटा कौन आया है। गुड़िया को देखे हुए बहुत टाइम हो गया, पिछली बार आए थी तो। अरे रश्मि दीदी कैसे हो आप? गुड़िया तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। आप बताओ आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया हूँ मैं। बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ बेटा अब तो मुंबई जाना ही रहता है ना, तो यहाँ बहुत कम रहती हूँ, मुंबई में अब सारा काम काज है। अरे बात है तो होती रहेगी बेटा, चाय बना के ले आ। आप ले लीजिए चाय। नहीं मुझे नहीं, ये ले जाओ। हाँ हाँ ये ले जाओ, ये रख जी। और बस 2 कप चाय बना ले। जी माँ। जहाँ तू रहती है वहाँ का माहौल वगैरह सब? हाँ सब अच्छा है, जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है। अच्छा, इतना कुछ अंतर नहीं है इन चीजों में। बहुत बड़ा शहर होगा? बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही ज्यादा।
मुझे लगा नहीं था शायद मेरा कुछ हो पाएगा, बट तो सुई धागे का काम करती हूँ मैं। सही है, 10-15 हजार वहाँ तेरा सही है यहाँ 10-15 हजार। और गुड़िया के बारे में क्या सोचा है? हाँ बताएं, पैसा है नहीं, शादी करने का तो सोचा था। शादी? हाँ गुड़िया की शादी? तो घर में खाना खाने के लिए पैसा नहीं और आप शादी करेंगे? तो घर में रख के भी क्या करेंगे? देखते देखते हजार खर्चे हो जाएंगे आपके। उम्र भी तो बढ़ रही है बिटिया की, घर पे रखेंगे क्या उसको? ये तो मसला है, इतना कर्जा ले रखा है, हम लोगों की स्थिति इतनी खराब है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें। अगर बुरा ना मानो चाची तो एक बात कहूँ? अरे नहीं बिटिया बोल। मैं सोच रही थी कि गुड़िया बेटी को अपने साथ ले जाऊँ, मतलब आप सोचो ना, अगर मेरी जैसी अनपढ़ लड़की मुंबई जाके 10-15 हजार कमा सकती है तो गुड़िया भी तो वही कर सकती है ना। देखो आपके सर पे कर्जा बहुत है ना, अब इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि शादी तो आप उसकी भूल ही जाओ। लेकिन वो अकेले नहीं जा पाएगी, नहीं रह पाएगी। वही छोटी बात कर दी आपने, अकेले जाने का क्या मतलब? सुन तो लो, अकेले जाने का क्या मतलब है? मैं हूँ आपकी बेटी से कम थोड़ी हूँ मैं, मैं रखूंगी उसको अपने साथ, उसके सारे खर्चे मैं संभालूंगी। और मैंने तो आपको बताया ही है हमारे फैक्ट्री वाले रहने का खाना खाने का सब खर्चा देते हैं। अच्छा। और रही बात मुंबई जाने की, तो वो खर्चा तो मैं दे दूंगी यहाँ। अच्छा। से मुंबई तक जब तक उसकी नौकरी शुरू नहीं होती तब तक मैं उसको रख लूंगी। बड़ी मेहरबानी, वो वहाँ के माहौल में नहीं रह पाएगी, मुझे पता है। देखो चाची बात ये है, मैं यहाँ से अकेले गई, जब मैं रह गई ना तो बुढ़िया के साथ तो कोई जा रहा है उसका अपना, और ऐसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि आपको तो खुशी मिलनी चाहिए ऐसे काम के लिए कोई 10-15 हजार देने के लिए। और क्या, महीने के 10-15 हजार घर में आएंगे, हमें जमीन नहीं छुड़वानी क्या, ये गिरवी में रखूं उसको? अरे बैठो बढ़िया, तुम हमारे पास लो रश्मि, पहले चाय। और बताओ सब ठीक चल रहा है? हाँ सब। आप बहुत टाइम बाद आइए इस बार, तो अभी तो रुक के जाएंगे? नहीं बेटिया ऐसी बात है कि कल ही जा रही हूँ। कल ही? मैं ना तुम्हारे माँ बाप से कुछ बात कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इस बार ही ना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे माँ बाप के सर पे कर्जा बहुत हो गया और अब कोई और चारा नहीं हमारे पास, तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा बुढ़िया। मैं वहाँ अकेले कैसे? अकेले की क्या बात, मैं तो रहती हूँ ना। कहाँ रहोगी? मैं रहती हूँ। है ना तुम्हारे साथ, तुम दीदी के साथ जा रही हो, उसी के साथ रहोगी, दीदी ख्याल रखेगी ना तुम्हारा? नहीं पर पापा मैं कभी आप लोगों के बिना रही नहीं हूँ, मैं गाँव से बाहर नहीं गई, मुझे शहर भेज दे। वो 8वीं पास है, वो क्या काम करेगी वहाँ जाके? ये 8वीं पास है, मैंने कितना पढ़ लिख लिया। तुम मतलब फिकर कर रही हो, वो संभाल लेगी। आपको तो शुक्र पर आना चाहिए माँ नहीं भेजू की ऐसी नौकरी आ रही है आपकी बेटी के पास, और ज्यादा कुछ करना भी तो नहीं है, कर लेगी, मुझे पता है गुड़िया बेटे तो कर लेगी। मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी दीदी, माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। अकेली कहाँ रहोगी? हाँ वो सही कह रही, वो नहीं रह पाएगी मेरे बिना, नहीं रह पाएगी, और कुछ नहीं हो सकता है। चाची मैंने कभी इसे अपनी बहन से कम माना है क्या? मैं यहाँ गाँव में कुछ काम कर लूंगी। जितनी आप इससे प्यार करते हो ना यहाँ, उससे दुखना मैं उधर जाके इससे करूंगी। आपको क्या लगता है मैं गुड़िया बेटी को मुंबई ले जाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ दूंगी? अपने साथ रखूंगी, काम सिखाऊंगी, सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। सही इतना तो मैं, आप समझ नहीं रहे, मैं समझ रहा हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रही। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, आप खुद सोचो ना अपनी हालत। दीदी मैं नहीं रह पाऊंगी, गाँव का माहौल और शहर में बहुत फर्क होता है। कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे सब सीख जाओगे शहर जाके, दीदी है ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी ना जा रही हो। हम लोग रश्मि पे इतना बोझ नहीं डाल सकते। अरे बोझ, आप चाची मेरे बारे में नहीं सोचिए, चाचा के बारे में सोचिए, कब तक ये सब करेंगे वो, कब तक अकेले उनको घर के काम निपटाने पड़ेंगे, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। घर में 2-4 पैसे आएंगे, जमींदार को दूंगा तो जाके हमारा जमीन छूटेगा, सोचो इस बारे में। और तनख्वाह तो अगले महीने से ही आनी शुरू हो जाएगी। लो ऐसे ऐसे खर्चे जाएंगे आपके,
आप एक बार फिर सोच के मुझे मत दीजिए बेटा, मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसी है कि अब आपको तो काम करना ही पड़ेगा बेटा, कब तक तुम्हारे बाप ये सब संभालेंगे? बेटी थोड़ा तो सोच हमारे बारे में। वहां के माहौल के बारे में आप समझ रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही। हमारा माहौल देख रहे हो तुम? इससे तो अच्छे माहौल में रहेगी ना हमारी बेटी, साथ में वो है ना, वो संभाल लेगी। चाची देखिए, बचपन से जितना प्यार आपने मुझे दिया ना, उतना मैंने गुड़िया को दिया। अब बस मैं आपसे ये बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुड़िया को काम करने के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि ठीक है भाई, जैसा तुम लोग सब लोग ठीक। हाँ हाँ हाँ, आप ले जाओ, ले जाओ उसको अपने साथ, ले जाओ साथ। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, कल मेरी मुंबई की ट्रेन है तो बेटा हमें कल ही निकलना पड़ेगा। चलती हूँ मैं, ख्याल रखना। समझाओ इसे, कुछ तो बोलो। पापा आप समझिए, आप मत भेजिए ना, मैं अकेले कैसे रहूंगी? आप देख क्यों नहीं रहे, वो मुझे शहर ले जा रही है, मैं गांव से बाहर निकली हूँ, मैं कैसे रहूंगी माँ? बेटी तुम नहीं समझ रही हमारी हालत। पापा वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो ये सोचिए माँ, आप समझाइए ना। क्या क्या बोलूं, कुछ तो समझाओ। मत भेजिए प्लीज, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी, वहां का माहौल एकदम अलग होता है, और आपके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगी। आपको पता है ना, मैं दो दिन नहीं रह पाती, मैं मासी के घर गई थी, मैं वहां से भी वापस आ गई क्योंकि मैं नहीं रह पा रही हूं। आप लोग मुझे इतनी दूर भेज रहे हैं। हम लोग मिलने आएंगे, हम लोग मिलने आते हैं। हम आते रहेंगे मिलने, तू घबराती क्यों है? वहां दीदी है ना। आप लोग समझ नहीं रहे, मैं कैसे वहां रहूंगी? बेटी मैं हाथ जोड़ता हूं, हमारी जमीन सब कुछ गिर दी है, ले दी कि ये घर रह गया। क्या चाहती है कि सुमर में तेरी माँ और मैं घर छोड़ के बाहर निकल जाए, दर दर की ठोकरें खाए, ये घर रह गया इसको भी गिरने लगा दे? क्या चाहती है? बचा ले, सब कुछ तेरे हाथ में बेटी, सब कुछ तेरे हाथ में। ठीक है मैं कल चली जाऊं। सुन सुन, वहां जाना रश्मि दीदी के साथ, रहना वो तेरी मदद करेगी, और हम लोग मिलने आते रहेंगे, अकेले नहीं रहेगी तू। और कोई समस्या हो तो रश्मि दीदी से कहना। दस पैसा भेज देना महीने महीने, हमें जमींदार को देना पड़ेगा, समझ रही है ना? जमीन छुड़वाना पड़ेगा, तभी तो तुम तो के भेज रहे इतनी दूर। ठीक ठीक, चली जाओ कर। बंटी कहाँ रही इतने दिन? कैसा? ये किसको लेके आई साथ में? लाइन का दर्द है। दिखा दो बेटा, देखने तो दो, बड़ा नौकरी कैसे देखी है? खड़ी हो, खड़ी हो। दुपट्टा हटा इसका बेटा, दुपट्टा हटा। नहीं अरे हम ऐसे ही चलते हैं बेटा, हमको देखना है कि तुम सूट बना सकते हो कि नहीं, देखना तो पड़ेगा ना। दुपट्टा बाल लगाने चाहिए तो बाल लगा। दीदी हम कहीं और जाके नौकरी जी सब करना पड़ता है, जाओ ना बेटा। घूम लड़की, घूम घूमो, अरे घूमो। माँ तो चुपका लाई है। दीदी वापस चलते हैं। बेटा रुको, पकड़ो पहले, ये इसके लिए है। और कितना लेंगे? और दे वादा की उसके लिए। मैं सुंदर के नहीं तो ले। गुड़िया बेटा, तुम्हारे माँ बाप को तो ये देना पड़ेगा ना मुझे जाके, तो एक काम करो तुम इनके साथ रहो, ये तुम्हें कल से नौकरी। नहीं हम कहीं और ढूंढ लेंगे नौकरी, मुझे ठीक नहीं इस टाइम। अपने माँ बाप के बारे में सोचो है ना, मुसीबत में ना बेचारे।
तो भी जल्दी उसी का दुख कर सकती हो। लेकिन हम कोई और तो आगे इनको वापस कर दो, हम बेटा ऐसे कैसे वापस कर काम ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे निकल लो, मेरे घर पे यहां चल कर लो, देखता हूं उसको। नहीं हां मैं बच जाऊंगी, लेकिन नहीं 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 बोलो। हां वहां पर दीदी देख क्यों गई, नहीं निकल आऊंगी घर। दीदी हां हां कल आऊंगी, छोड़ो मुझे। आप रो मत, मैं हूं ना आपके साथ। लव यू।